उत्तर प्रदेश की राजधानी के भारत एकेडमी में एक पिता का पद संस्थापक दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जहां हम आज आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां आप स्क्रीन पर देखेंगे कि सभी यहां पर आए हुए लोग कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जहां ये कार्यक्रम भारत एकेडमी के अशोक मेमोरियल हॉल में किया जा रहा है और संस्थापक दिवस स्वर्गीय अशोक मेमोरियल हॉल में मनाया जा रहा है, जहाँ पर स्वर्गीय अशोक सक्सेना जी के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे आए हुए लोगों से कि क्या कहना उनका और क्या विशेष है इस कार्यक्रम में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार इस कार्यक्रम में भीड़ उमड़ती जा रही है और जो मुख्य अतिथि के रूप में विवेक तांगड़ी, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, उनसे भी जानेंगे कि विशेष पिता का पद कार्यक्रम में क्या विशेष है। एक समय होता था जब कितना आ जाए उतना कम, और अब तो लगता है जितना दिया है उतना ही बहुत अधिक है। जितना दिया सरकार ने मुझको कॉलेज के नितेश भाई, आपका भी बहुत बहुत आभार। और आज पिता का पद को जब मैं नामकरण हो रहा था कि कैसे मैं अपने पिताजी के लिए कुछ करूं, तो उसका मार्गदर्शन हमारे गुरु जी। इस समय हमारे साथ में डॉक्टर विनय तांगड़ी हैं, आध्यात्मिक चिंतक, उनसे जानेंगे जो आज प्रवचन दिया है पिता का पद। सर, क्या पिता के बारे में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को बताइए। पिता का पद संसार में सबसे बड़ा पद होता है और निश्चित रूप से कि जिस घर में माता पिता की पूजा होती है, सेवा होती है, वो स्वर्ग के समान ही होता है। और जीवन में पिता की बातें कभी कभी बच्चों को कड़वी लग जाती हैं, लेकिन भले ही वो बातें कड़वी हों, लेकिन वो होती बच्चों के भविष्य के निर्माण की होती हैं। तो बच्चों को ये बात समझना चाहिए, क्योंकि वो आज बच्चे हैं, कल वो भी पिता बनेंगे। तो इसलिए आज अपने पिता की सुनिए, तो आगे बच्चे आपकी सुनेंगे। तो सर, जैसे कि आपने अपने प्रवचन में बताया कि राम जी के आदर्शों पर चलें, और जैसे कि आज एक उल्टा समय चल रहा है, बच्चे अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते, तो उनको क्या चीज़ कहेंगे सर? मेरा अपना मानना है कि इसमें किसी केवल बच्चों का दोष नहीं है, हमारे परिवार में जो बड़े हैं उनको भी संस्कार के प्रति जागृत होना पड़ेगा। जो बच्चों के अंदर माल कल्चर हावी हो रहा है, बाकी और चीज़ें हावी हो रही हैं, उससे दूर हट के बच्चों के अंदर संस्कार और धर्म का भी जागरण कराएं। और धर्म केवल कोई ये चार खंड में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बसा है, धर्म है वास्तविक मानव सेवा,
और जब सेवा का धर्म होगा वो झुकना सीखेंगे, करना सीखेंगे, तो निश्चित माँ बाप का भी मानेंगे। तो इस समय हमारे साथ में अंबर फाउंडेशन के वफा अब्बास जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज जो पिता का पद यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया भारत एकेडमी में, क्या कहेंगे सर, क्या विशेष दिखा आपको? बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, क्योंकि मैं रजत सक्सेना जी से, उनके छोटे भाई से और उनकी माता जी से पिछले एक साल से संपर्क में हूँ, और जो इनके पिताजी हैं स्वर्गीय अशोक सक्सेना जी, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई कभी, लेकिन इन लोगों का बिहेवियर, इनका नेचर, इनका देख के लगता है कि वो कितने महान आदमी रहे होंगे। और बड़ा अच्छा लगा कि मुझे भी इनकी फैमिली से जुड़ने का मौका मिला है, और हम सब मिल के समाज के लिए और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। तो सर, आप तमाम समाज सेवक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है आपका अंबर फाउंडेशन, तो क्या ऐसा भी कोई आप अभियान चलाएंगे जिससे बच्चों में जागरूकता है कि माता पिता और घर के बड़ों का सम्मान हमेशा बढ़ता रहे? आज के इस प्रोग्राम के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे हम लोगों में कहा जाता है मुस्लिम्स में कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, तो और इस प्रोग्राम में आके गुरुजी तांगड़ी महाराज भी थे, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में एक पार्ट इसको भी बनाएं कि जो प्रोग्राम में हमारे लगभग हज़ारों लोग शामिल होते रहते हैं हर महीने, उनके साथ हम लोग इस तरह का मैसेज चलाएँ कि जो बच्चे आज की दुनिया में टीवी, मोबाइल और नए ज़माने के डेवलप हो रहे हैं, कम से कम वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, और माँ बाप का जो एक दर्जा हमेशा सबसे ऊपर वाला रहा है वो हमारे समाज में बना रहे। इस समय हमारे साथ में भारत एकेडमी के भारत जी हैं, उनसे जानेंगे। जैसे कि वो राम के लक्ष्मण बनने का हमेशा कार्य करते हैं, और आज साक्षात लक्ष्मण जी से हम आपको बात कराने जा रहे हैं, जानेंगे कि जैसे अशोक सक्सेना जी का आज सर आप लोगों ने जो जन जयंती मनाई है उसके बारे में क्या कहेंगे, विशेष क्या है पिताजी की एक याद हमारे दर्शकों के साथ साझा। 2008 में जो है हमारे पिताजी जो है का देहांत हो गया था, तो भाई पिताजी हैं स्मृतियों में तो हमेशा ही रहते हैं, तो उसी को याद आता था, लगता था कुछ करें उनके नाम पे, तो उसी को देखते हुए आज जो है ये कार्यक्रम रखा गया था, और एक फाउंडेशन की शुरुआत करी गई है जिससे जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं उनको हम लोग जितना भी पूरा कर सकें उनके नाम के फाउंडेशन से पूरा करें, जिससे उनका नाम बना रहे। आज कौन कौन लोग आए हुए थे कार्यक्रम? आज कार्यक्रम में जो है हमारे डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी, लेटर हनुमान जी मंदिर के सभागार, हमारे बालागंज वार्ड की सभासद कमलेश पटेल जी, हमारे जो है माननीय उपविजेता अंजनि कुमार श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय पार्षद हैदरगंज सेकंड के धर्मेंद्र सिंह जी, इसके अलावा राजीपुरम वार्ड के शिवपाल सावरिया, गौरी सावरिया जी, इसके अलावा हाँ सादरगंज वार्ड के हमारे गुड्डू यादव जी आए थे, और हाँ अपने हमारे वार्ड के ही पार्षद अनु कमल जी जो है यहाँ उपस्थित थे। तो आज क्या संदेश देने का आपकी कोशिश थी जो नौयुवक? कोशिश ये थी कि भाई होता क्या है, जब तक माँ बाप होते हैं तब तक उनकी जो है कदर उतनी नहीं बच्चे कर पाते हैं, लेकिन जब माँ बाप नहीं होते हैं तो उस समय पे वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं जो कि बहुत ख़राब होती हैं, दिल को चीज पहुँचाती हैं। तो सभी से यही कहना चाहेंगे कि जिनके माँ बाप अभी जीवित हैं वो कम से कम उनको भगवान का ही स्वरूप में देखें, और जितनी सेवा कर पाए कर लें, क्योंकि जब वो नहीं होंगे तो फिर कुछ हाथ में नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में भारत सक्सेना, जिन्होंने बताया जिस तरह से आज यहाँ पर भारत एकेडमी में अशोक कुमार सक्सेना मेमोरियल की जो फाउंडेशन है उसकी एक स्थापना भी की गई है। अभी हम जानेंगे रजत सक्सेना जी से कि किस तरह का जो विशेष कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा हुआ था, क्या था इस कार्यक्रम में विशेष, और आखिरकार इतना भव्य कार्यक्रम करने का उद्देश्य को लेकर के उनसे बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम भारत एकेडमी में आए हुए हैं, और वहाँ पर जो पिता का पद का एक कार्यक्रम रखा गया था, जानेंगे रजत जी हमारे साथ में हैं, जहाँ पर आज स्थापना भी हुई है अशोक मेमोरियल फाउंडेशन की। सर, क्या मुख्य उद्देश्य था और किस तरह से आज आपने जो पिताजी की जयंती मनाई है, किस तरह? अशोक मेमोरियल फाउंडेशन का उद्घाटन करने का मूल उद्देश्य सभी निर्बल वर्ग धर्म सभी मानवीय सेवा का मेन उद्देश्य मानवीय सेवा का है, और ऐसा नहीं है कि ये आज से ही है, मानवीय रूपी सेवा चलती रहती है भारत एकेडमी परिवार की तरफ से। आज उसको एक
विशेष नाम दिया गया क्योंकि मन में ये भाव रहता था कि हमारे पिताजी जो कि सन 2008 में हमको छोड़ के गए थे और उनके द्वारा जो हम लोगों के लिए त्याग किया गया उस त्याग उसका कर्जा तो कोई भी बच्चा माँ बाप का त्याग का कर्जा कोई भी नहीं उतार सकता, लेकिन मन में एक टीस रहती थी कि हम कुछ ऐसा करें जो सीधे उनको समर्पित हो। तो ऐसी अवस्था में जब आप मानवीय सेवा में करने की सोचते हैं तो मानवीय सेवा कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों को, आपके पिता को जो नहीं हैं उनको समर्पित होती है। और ये सेवा भाव जो है ये आज के कलयुग में ये तभी उत्पन्न होता है जब आप धर्म से जुड़ते हैं, क्योंकि धर्म ही आप में वो भाव पैदा करता है, धर्म ही आपके मन में राम को जागृत करता है। मन में राम तो सभी के हैं, लेकिन जागृत तभी होते हैं जब आप भजन करते हैं, जब आप ऊपर वाले को याद करते हैं, नित्य प्रतिदिन याद करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने दुख में याद करा अगर आपने और सुख में फिर भूल गए तो ऐसा भाव नहीं पैदा होता है। जब आप सुख और दुख दोनों में ही भगवान को याद करते हैं तो ऐसा भाव मानवीय सेवा का ही प्रबल होता है, जो कि आज ऐसा हुआ। और माँ बाप का कर्जा तो नहीं उतारा जा सकता, लेकिन ये प्रयास रहेगा कि हम, मैं कोई बहुत बड़ा पूंजीपति भी नहीं हूँ, लेकिन मन में ऐसा भाव हुआ तो अब आगे तो बढ़ गया हूँ, अब बाकी राम जाने क्या होगा। कैसे ये समाज सेवा की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा पाएंगे, प्रयास लगातार रहेगा, पहले भी प्रयास रहा है। अब ऊपर वाले का आशीर्वाद और सभी लोगों का आशीर्वाद अगर रहा तो ज़रूर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और समाज के हित के लिए काम करेंगे। तो सर, जैसा कि आपको सभी यहाँ यानी कि भारत एकेडमी में राम के रूप से देखते हैं, आपके छोटे भाई जो हैं भारत उनको लक्ष्मण के रूप से देखते हैं, कहीं ना कहीं जो पिताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पिताजी के सपनों को साकार करते करते आज आप पिताजी के उन सारे अरमानों से आगे निकल आए हैं और कहीं ना कहीं आज भी आप पिताजी के बारे में सोच रहे हैं, तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे आज के नौजवान? आज के वैसे तो सभी अपने माँ बाप का आदर करते हैं, कोई मैं विशेष नहीं हूँ, लेकिन माँ बाप का आदर निरंतर बना रहे, परिस्थितियाँ बदलने पे आदर जो है वो ख़त्म हो जाना तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा सारा प्रेम जो है वो अपने बच्चों पे जाने लगता है, तो हम उस प्रेम को भूल जाते हैं जो माँ बाप ने अपने समय में हमको दिया। तो बस यही नहीं भूलना है आज की युवा पीढ़ी को, क्योंकि आपके पास घर में साक्षात भगवान हैं, लेकिन मंदिरों में ढूंढने जाते हैं हम, तो मंदिरों में भी जाएं, ऐसा नहीं है मंदिरों में ना जाएं, लेकिन घर में जो प्रथम पूज्य हैं, जो घर में हैं, उनको विशेष उनका अभिवादन करें, कभी उनको दुखी ना करें, यही जीवन का मूल मंत्र। जीवन इतना कठिन नहीं है, जीवन को हम ही लोग कठिन बनाते हैं, जीवन इतना कठिन है नहीं। और अपने बड़ों का आदर करें, समाज सेवा की भावना रखें, छीनने की प्रवृत्ति लेने की प्रवृत्ति, जो देता है वो देवता बन जाता है, जो लेता है वो लेता ही रह जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे हमारे साथ में रजत सक्सेना जी, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अशोक मेमोरियल फाउंडेशन का आज शुभारंभ किया गया है, जहाँ पर ये जयंती को एक अलग ढंग से भावुक तरह से मनाई गई है, जहाँ आँखों के नम होते ही पिता को याद करके उनके संस्कारों उनके पद चिन्हों पर चलकर जैसे रजत सक्सेना और भारत सक्सेना इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम आपको हंगामा टाइम्स न्यूज़ पर दिखाते हैं कि जिस तरह से अयोध्या में राम जी और पूरे भारतवर्ष में राम जी आए, वैसे ही कहीं ना कहीं रजत जी राम बनने का और भरत जी जो हैं वो लक्ष्मण बनने का काम कर रहे हैं और देश को कहीं ना कहीं सुख शांति पहुंचाने वाली भी बड़ी राहत पहुंचा रहे हैं। तो वहीं पर आपको हम बता दें, त्याग और बलिदान की जो बात यहाँ पर की गई है वो सही में अनोखी है, और जहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत की थी डॉक्टर विवेक तांगड़ी आध्यात्मिक चिंतक ने, और हमने उनसे भी बात किया और भी लोगों से चल करके बात करते हैं, और कार्यक्रम किस तरह से अनोखा रहा, अद्भुत रहा, अविस्मरणीय रहा, हम आगे देखते हैं और जानते आए हुए लोगों से।
इस वक्त हमारे साथ में अर्चना सक्सेना जी, उनसे जानेंगे कि आज जो अशोक सक्सेना जी की जयंती मनाई गई है, क्या मैम इसमें विशेष रहा और क्या याद है? इसमें सबसे अच्छा तो ये रहा कि इसमें अभी एक फाउंडेशन की स्थापना की गई है जिसमें जन समुदाय की सेवा और गरीब वर्ग की सेवा का उद्देश्य लिया गया है और अशोक सक्सेना के नाम पर इसको स्थापित किया गया है। और इसी अवसर पर सुंदरकांड और भजन संध्या का आयोजन करके सबको एक अच्छा सा माहौल बनाने की कोशिश। मैम, आप अशोक सक्सेना जी से मिली, क्या यादें रहीं खास उनसे? वो तो मेरे बड़े जीजा जी थे और मैं तो उनके साथ बहुत संपर्क में रही और बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही सबके साथ करने वाले, सहयोग करने वाले, परिवार को साथ लेने वाले, साथ लेकर चलने वाले। तो मैम, जैसे कि रजत सक्सेना जी और भारत सक्सेना जी लगातार शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और लोगों को शिक्षित करने का क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो बहुत अच्छा काम है, इसे तो एक ऐसा काम है जिससे समाज का तो उत्थान होना होना ही है, साथ में व्यवसाय अपने आप ही उन्नति में होता है जब समाज की उत्थान किया जाता है। और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ये और इन्होंने सदैव अच्छा काम किया और ये इस समय धर्म और शिक्षा दोनों कार्यों में बहुत अच्छी उन्नति से काम कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ में सरवन सक्सेना जी हैं, भारत एकेडमी की संस्थापिका, उनसे जानेंगे कि मैम क्या जे पिता का पद लेकर के विशेष रहा और क्या यादें यहाँ पर जुड़ी हुई थी जिससे भावुक यहाँ समारोह। बच्चों का इस तरह के प्रोग्राम करना ये आज के समय की बहुत बड़ी बात है कि कोई याद रख सके अपने पेरेंट्स को और करे, और इसका अच्छा बात ये होगी कि लोगों में संदेश अच्छा जाएगा और अच्छा लगा होगा, लोगों को सुन के भी अच्छा लगा होगा। तो भावुक होना तो स्वाभाविक है क्योंकि आज के समय के बच्चे तो याद करते नहीं, लेकिन ये हमारा भी भाग है कि बच्चे याद करते हैं और पेरेंट्स का विशेष ध्यान रखते हैं। ये बहुत नवयुवक जो है उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहिए? बहुत बड़ा संदेश है नवयुवकों के लिए, अगर जो थोड़े भी समझदार होंगे वो इसको देखने के बाद वो सोचेंगे कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए और करना भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे हमारे साथ में सरवन सक्सेना जी, भारत एकेडमी की संस्थापिका, जिनसे हमने बात किया, जाना किस तरह से जो आज का कार्यक्रम था पिता का पद विशेष तौर पर आखिरकार क्या रहा। तो वहीं पर हम आपको बता दें कि जहां पर उन्होंने बताया कि व्यस्तता जो समय है व्यस्ततम, उसको लेकर के आज के बच्चे अपने अभिभावकों को याद रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इनके लिए ये अविस्मरणीय पल कहीं ना कहीं यादों में संजो करके उन्हीं के बेटों ने उनको दिया है। और हम आपको हंगामा टाइम्स न्यूज़ पर प्रमुखता से दिखाते हैं कि भारतीय संस्कृति के तहत जो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में कार्यक्रम होते हैं उसमें विशेषता क्या है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से। आप जितनी भी भाग दौड़ में रहें, इस संसार में एक चीज जरूर पाएंगे कि वो जो चैन घर के द्वार के अंदर घुसने के बाद मिलता है वो शायद कहीं और ना मिले। घूमने का बड़ा मन करता है, जाने का बड़ा मन करता है, लेकिन दो तीन दिन जैसे बीतते हैं बाहर जाने के बाद बस फिर लगता है कि घर आ जाए, जल्दी से घर आ जाए। तो ऐसा क्या है? ये वो कृपा है जो आपके घर में रोज उसकी इबादत होती है, ये उसकी ऊर्जा है जो भगवान के स्वरूप में, ऊर्जा के स्वरूप में, किसी भी स्वरूप में आप अपने घर में जिसको बैठाए हुए, जिसको मुखिया बनाते हैं। कहीं पे माँ का स्वरूप में दुर्गा मैया बैठी है, कहीं पे पिता स्वरूप में प्रभु श्री राम बैठे हैं, कहीं सखा स्वरूप में कृष्ण बैठे हैं, परंतु बैठे हैं। और एक भरोसा भी है, भरोसा ये कि कुछ भी बिगड़ेगा तो तुम संभाल लोगे। मंदिर में विगत 2.5-3 सालों से बैठते बैठते एक चीज पता चली कि बाहर से चेहरे बहुत खुश है लेकिन अंदर से बहुत दुख है। किसी न किसी प्रकार का संताप मनुष्य को घेरे हुए, कुछ तो अंधी दौड़ में दौड़ रहे और कुछ दौड़ के थक चुके हैं, कुछ ने दौड़ना ही शुरू नहीं किया,
और कुछ सोचते हैं कि शायद हम कभी दौड़ें, लेकिन सबका सार एक ही लगता है कि जीवन में जब तक कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तब तक उसको प्राप्ति की आशा नहीं रखनी चाहिए। और कर्म की परिणति बहुत संतुलित मात्रा में होती है, वही कर्म आगे चल के श्रेष्ठ सिद्ध होता है जो धर्म में सना बना। आटे की रोटी जब बनती है तो पानी मिलाया जाता है, ज्यादा पानी मिल जाता है तो आटा हाथ में चिपकता है, कम मिल जाता है तो गुथता नहीं है। इसी तरीके से कर्म और धर्म का सिद्धांत है, संतुलित मात्रा में समुचित रूप से धर्म और कर्म का मिश्रण ही व्यक्ति को श्रेष्ठता दिलाता है। और एक परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है उसको पता होता है कितना कहां कर्म और कितना कहां धर्म मिलाना है। इसीलिए पिता के पद को सर्वोच्च माना जाता है। बाहर से देखने में तो बड़ा कठोर परंतु अंदर से इतना कोमल कि जैसे पानी का वो बुलबुला कि अगर हल्का से भी हवा लगी तो फट जाए, परंतु कठोरता की सीमा आप देखो कि एक श्रेष्ठ राजा जिसने अपनी पत्नी को वचन दे डाला और उसके सामने उसका सबसे प्रिय 14 वर्ष के लिए वनवास गया। कोमलता और कठोरता का मिश्रण यदि देखना है तो दशरथ के चरित्र में कठोरता अपने धर्म पालन की और कोमलता पितर के वियोग की। वो पुत्र का वियोग इतना हावी हो गया कि दशरथ के प्राण त्याग। कोमलता और कठोरता देखना है तो हरिश्चंद्र के देखें, कोमलता और कठोरता देखनी है तो यदुनंदन के पिता की देखिए कि अपनी बालिका को अपने बालक को जाके कहां ले आए, किसी से किसी माँ से 5 मिनट का जन्म लिया बच्चा अगर ले लो तो नहीं दे। तो पिता का पद बहुत बड़ा है। हम लोग को लगता है अपने अपने युवावस्था में बाल्यावस्था में कि पिता डांट देते हैं, मैया संभाल लेती है, मैया मार देती है लेकिन तब भी कुछ कर नहीं, लेकिन पिता गुस्सा हो गया तो हफ्तों नहीं मारते। एक छत पड़ती है तो 15 दिन तक लाठी डंडे लगा के उसको मजबूत करने के लिए पाड़ बना रहता है। तो पिता को मालूम है कि ये जो धर्म की छत हम अपने पुत्र के ऊपर डाल रहे हैं इसको कितने दिन तक सहारा देके खड़े रहते हैं। केवल इसीलिए वो गुस्सा रहता है, उसकी कोमलता नहीं दिखती है, कठोरता दिखती है, क्योंकि कोमलता तो उसके उस भाव में है जिससे वो तुमको धर्मरथी बनाना चाहे। तुलसीदास बाबा ने भी कहा है कि जो मुखिया होता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक और सकल अंग पोषण करे पाले सहित विवेक। मुखिया का काम मुंह का होता है, जितना कुछ शरीर में जा रहा है सब जाने का रास्ता एक ही है, घी खा लो अचार खा लो रबड़ी खा लो मलाई खा लो रोटी खा लो, परंतु उसको अंदर ग्रहण करके किस किस अंग को समुचित मात्रा में पोषण पहुंचाना है ये भी वो जानता है।
मेरा तो अपना मानना है कि पिता के पद के बराबर पद कोई नहीं होता है, क्योंकि यदि आप गुरु भी बनाते हैं तो वो भी पिता के ही पद में आता है। भगवान को भी आप मानते हैं तो वो भी पिता के स्वरूप है। कहते हैं कि अब जो कुछ करना है तुम करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितनी सुंदर आती है कि मात पिता तुम मेरे शरण दो। यानी भगवान के लिए भी कहा कि माता और पिता तुम मेरे हो, मैं कहां मर जाऊं। यानी एक व्यक्ति को इस संसार में कोई ठिकाना नहीं मिलता, केवल एक ही ठिकाना और ठौर है, वो है पिता और मां की शरण। पिता यदि मुख के समान मुखिया है तो माता पेट की तरह की ग्रहणी है, वो ग्रहण करके सबको समुचित मात्रा में पहुंचा। पिता के ऊपर तो यदि वार्ता की जाए तो 7 दिन नहीं 17 दिन नहीं 7 जन्म लग जाएंगे। माता पिता की महिमा